ओके बच्चों, अब जब हम आगे बढ़ेंगे लेसन में तो आपको देख पढ़ना है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन एक सम्मेलन होता था, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। गोलमेज सम्मेलन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको गोलमेज, एक बड़ा सा गोलमेज था जिसके किनारे बैठकर सभी लोग सम्मेलन करते थे, इसीलिए इसका नाम गोलमेज सम्मेलन है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ, ठीक है। यह पूरी तरह से असफल रहा था क्योंकि इसमें देश के मुख्य नेताओं ने भाग नहीं लिया। 1931 में गांधी जी रिहा हुए, जो उनको सजा मिली थी 6 साल की उसके बाद, और फिर इरविन के साथ, इरविन उस समय गवर्नर थे वहां भारत के, उनके साथ एक बैठक हुई और इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तब हुई थी 1931 में, इसे क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता। सर इस समझौता के अंतर्गत क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। दूसरा, सारे कैदी की रिहाई की गई, जो रॉलेट एक्ट के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया था उन सभी की रिहाई की गई। तटीय इलाकों में जो दांडी यात्रा हुई उसके बाद तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति दी गई, लेकिन कुछ भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि गांधी जी राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये कब हुआ, 1931 में लंदन में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, पहला जो मैंने बताया वो असफल हो गया था, है ना, और ये दूसरा जब हुआ 1931 में तो गांधी जी कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे भारत का नेतृत्व कर रही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो दावा उन्होंने किया था गांधी जी ने, इस दावे का 3 पार्टियों ने विरोध किया। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, जरूरी है कि 3 पार्टियों ने इस बात का विरोध किया था कि गांधी जी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। पहला मुस्लिम लीग, ठीक है, इसमें मुस्लिम और अल्पसंख्यक थे, इन्होंने इस बात का विरोध किया क्योंकि इनका कहना था कि भारत में इनका भी अस्तित्व है जो कि इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। रजवाड़े, जिनकी अपनी एक जनता होती थी, जो नॉर्मल जनता होती थी, वे लोग भी इस बात का विरोध कर रहे थे क्योंकि गांधी जी अकेले इस भारत देश का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। और तीसरे थे B.R. अम्बेडकर जी, जो हमारे संविधान रचयिता है B.R. अम्बेडकर, वो दलित और निचली जाति को रिप्रेजेंट करते थे और इन्होंने भी इस बात का खंडन किया था कि भारत, गांधी जी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए थे। उन्होंने यह कहा कि भारत का जो नेतृत्व है वो उनकी पार्टी कर रही है, ये तीनों उनका खंडन करते हैं। इसके बाद हम अगला जो हमारा आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया वो था भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन। इसे 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया। यह गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। जब गांधी जी ने आंदोलन आरंभ किया तब उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद भी युवा क्रांतिकारी जो थे वो आंदोलन चलाते रहे। इसमें जेपी नारायण, ये जय प्रकाश नारायण भी इस आंदोलन में सक्रिय रहे। कौन थे, जय प्रकाश नारायण। यह जन आंदोलन था क्योंकि ये जनता का आंदोलन था, तो लाखों आम लोग भी इसमें शामिल हो गए इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। इस दौरान कांग्रेस नेता जेल गए, तभी जब कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े बड़े नेता को जेल में भर दिया गया, उस समय मुस्लिम लीग और जिन्ना अपना प्रभाव जमाने लगे। 1944 में गांधी जी रिहा हुए, जब यहाँ इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 साल के बाद इनको रिहा किया गया और उस समय गांधी जी ने जेल से आने के बाद गांधी जी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की जो दूरी थी उसे कम करने का पूरा प्रयास किया। तो बच्चों अब हम अपने लेसन के सबसे आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी। जो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी। इसे हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहते हैं, ठीक है। 16 अगस्त 1946 इस दिन कलकत्ता में खून खराबा शुरू हो गया कैबिनेट मिशन जो आया था उसके खिलाफ। इसमें बंगाल, बिहार, पंजाब में भी तेजी से यह जो खून खराबा था वो फैलने लगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया, ओके? कब? 1947 में उन्होंने घोषणा की कि अब ब्रिटिश प्रभुत्व से भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन उसके विभाजन के बाद, यानी भारत और पाकिस्तान जो कि जिन्ना का डिमांड था, मांग था, उसके बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ब्रिटिश प्रभुत्व यहाँ से खत्म हो जाएगा। तब भारत आजाद हो गया, तब 15 अगस्त 1947, और उसी दिन रात को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया गया। यानी भारत को इस शर्त पर विभाजित किया गया, आजादी मिली कि एक पाकिस्तान बनेगा और एक हिंदुस्तान बनेगा, इसी शर्त पर उसे आजादी मिली। इतना ही नहीं, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई थी। तब आजादी के बाद राष्ट्रपिता की उपाधि, जो कि आज भी हम उनको उस उपाधि से जानते हैं कि वो हमारे राष्ट्रपिता थे। तो बच्चों, इसमें आपको एक चीज जानना है कि उस आजादी के बाद, लगभग एक वर्ष बाद, आजादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली, उसके एक वर्ष बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा, ओके? तो ये हत्या इसलिए भी की गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जो जनता थी वो इस बात से नाराज थी कि हमें आजादी तो मिली लेकिन हमारे देश को दो भागों में जो बांट दिया गया और जो विभाजन का दर्द जो हुआ देश के नागरिकों को, उसीलिए उस वजह से नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चला दी और वो 30 जनवरी 1948 को शहीद हो गए, ओके? तो बच्चों, मैंने जो ये लेसन पढ़ाया आपको क्लास 12 का चैप्टर 13, आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा और ये आपको पूरा पसंद भी आया होगा। मैंने जैसा इसमें नोट्स भी दिया है आपको, आप चाहें तो मेरा वीडियो को रोककर इस पूरे नोट्स को अपने कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपको भी सुविधा हो सके आगे पढ़ने में। और मैं जो इसके बाद आपको होमवर्क दूंगी वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।